मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू क्वेस्ट स्पॉट फोर्टी थ्री खुनाल अंकिता श्याम सैयद इसाक समीक्षा स्वाति अमित रोहिणी चंद्रकांत कल्याणी आई होप इतने सारे नाम लेने के बाद आई एम प्रिटी क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू माई वॉइस एज वेल एज वीडियो पार्ट है ना दीक्षा तो जल्दी से आपके ग्रीन हाउस आ चुके हैं सेशन की हम शुरुआत करते हैं एवरीबॉडी गेट रेडी पेपर एंड पेन आज के सेशन में course, कुछ ऐसे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत और ऐसा कौन सा एग्जाम है मैम जहां पे डायरेक्टली वर्ड और मीनिंग पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है लेकिन वर्ड का यूसेज पूछा जाता है साल बी टेकिंग एंड फोकसिंग मोर ऑन दैट ग्रामर गीक में थोड़ा सा एडवांस ग्रामर बताऊंगी

होमोग्राफ्स यानि ऐसे वर्ड्स जिनकी तो स्पेलिंग सेम है मीनिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन मे और नॉट बी द सेम आई रिपीट अगेन होमोग्राफ्स यानी ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन मे और नॉट बी सेम मीनिंग कंफर्म डिफरेंट है होमोग्राफ्स होमोनिम्स ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स सेम है प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है क्या मतलब मैम होमोनिम्स ही हैं जो वो आपसे वर्ड यूसेज में पूछता है ये होमोनिम्स ही हैं जो वो आपसे वर्ड यूसेज में पूछता है जहां पे स्पेलिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है जैसे

वर्ड यूसेज के फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे वो वर्ड देगा और तीन अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम करके देगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विथ सेंटेंस द वर्ड इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्टली यूज वो आपको ढूंढ निकालना है बट वो आप कब ढूंढेंगे ग्रामर तो पहचानना आसान है लेकिन कॉन्टेक्स्ट कब पहचानेंगे जब आपको उस शब्द के पूरे मीनिंग्स पता होंगे तो ठीक है चलिए तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिसको हम कहते हैं वर्ड्स हम लेंगे बिकॉज का क्वेश्चन में भी आने के चांसेस रैकेट रैकेट बोला तो दिमाग में क्या आता है बताइए वैभव सर दिमाग में क्या आता है रैकेट बोलते ही रैकेट अगर बोला तो दिमाग में क्या आता है वॉट यू गेट इन टू द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आई टॉक अबाउट रैकेट कहा रैकेट तो दिमाग में फर्स्ट मीनिंग ऑफ दर्ड रैकेट दैट इज मोस्ट कॉमनलीट इज रैकेट रैकेट बोला तो वो बैडमिंटन का बैट और रैकेट ही याद आता है दैट इज द फर्स्ट मीनिंग एप्सल्यूटली करेक्ट एक और पिक्चर है बताइए वैभव सर रैकेट के ऊपर रैकेट का एक और मीनिंग है यू जस्ट नीड टू वेट की पेशेंस यस सेकेंड मीनिंग ऑफ द वर्ड रैकेट ओके रैकेट एक ऐसे गेम को भी बोला जाता है जो स्क्वैश की तरह खेला जाता है दिस ऑल्सो मीनस राकेट इट इज दो प्लेयर होते हैं फोर बाउंड्री वॉल में वो होता है सो बेसिकली दैट्स रैकेट रैकेट तो रैकेट के दो मीनिंग हो गए ठीक पहला कौन सा अपनी बैडमिंटन की राकेट दूसरा कौन सा ये ऐसा गेम जो स्क्वैश की तरह खेला जाता है दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट दो मीनिंग हो गए तीसरा मीनिंग रैकेट की ना एक ब्रिटिश स्पेलिंग भी है सर आप इसको भी हटा सकते है, सकते हैं हैं रिमूव कर चलिए रैकेट की एक ब्रिटिश स्पेलिंग भी है ठीक है एक वेरिएंट स्पेलिंग भी है ये आप ध्यान रखें ठीक है रैकेट की एक ब्रिटिश वेरिएंट स्पेलिंग भी है ये स्पेलिंग आप ध्यान रखें हो गया तीन चौथा वहां पे ना मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ हां ये भी तो हमने न्यूज पेपर में पढ़ा यानी नाउ द फोर्थ मीनिंग विच मींस अ फ्रॉडुलेंट स्कीम और एक्टिविटी कोई धोखाबाज काम जहां पे हो रहा है उसको भी रैकेट कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ नकली नोट छापने का रैकेट बर्स्ट हुआ दैट इज रैकेट अ फ्रोड्युलेंट एक्टिविटी अ फ्रोड्युलेंट स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट फोर मीनिंग्स हो गए लेट्स गो फॉर द फिफ्थ मीनिंग अ कंफ्यूज क्लैटरिंग नॉइज क्लैमर को भी रैकेट कहते हैं बहुत ज्यादा आवाजें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है चिल्ला पुकारी हो रही है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट नेक्स्ट सोशल एक्साइटमेंट सोशल टर्मोइल सोशल डिस्टरबेंस को भी रैकेट कहा जाता है फिफ्थ मीनिंग नेक्स्ट अगर बहुत आसानी से कोई पैसा कमाता है एन ईजी मीन एंड लुक्रिएटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट बहुत आसान बेगिंग इज द बेस्ट रैकेट राइट एन ईजी मीन ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट एन ईजी मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट एक और मीनिंग है रैकेट का बेसिकली सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव होने को भी रैकेट कहते हैं सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव हो जाने को भी रैकेट कहते हैं तो कितने मीनिंग्स पढ़ लिया आज हमने रैकेट के सबसे पहला तो बैडमिंटन का रैकेट फर्स्ट सेकेंड जैसा एक गेम होता है उसको भी रैकेट कहा जाता है रैकेट की एक ब्रिटिश स्पेलिंग वेरिएंट फॉर्म में है जो यूज होती है ठीक है तीसरा मीनिंग रैकेट यानी एक फ्रॉड्यूल स्कीम या एक्टिविटी जैसे कि नकली नोटों का रैकेट बर्स्ट हुआ है हाँ ये पता है हमको मैम चौथा बहुत ज्यादा शोर आवाज नॉइजी एटमोसफियर नॉइजी एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट ये फोर्थ मीनिंग हो गया नेक्स्ट किसी सोशल लाइफ में किसी सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इंगेज होने को भी रैकेट कहते हैं ठीक है मैम रैकेट का एक और मतलब है आसानी से पैसे कमाने को भी रैकेट कहते हैं सो बैगिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू दैट्स इट एंड द लास्ट पार्ट वी कैन से इज अ सोशल एक्साइटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट ठीक फुनसुक वांगड़ू मैम ये इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये क्वेश्चन वांगड़ू आएगा वर्ड यूसेज के फॉर्म में ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन में अपकमिंग मेन्स के सेशन में लूंगी ठीक है ओके विद्या वैष्णव का क्वेश्चन है मैम रैकेट एज अ वर्ब यूज करेंगे लास्ट वाले मीनिंग के हिसाब से yes, ये ऐसे वर्ब यूज हो रहा है बाकी के मैंने सारे नाउन वर्ब लिखे हैं ठीक है मैम मला ऑनलाइन ओके एडमिशन प्लीज टॉक टू सर ओके एनी एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट फॉर्म विद्या को लास्ट वर्ब का मैं एग्जाम्पल देती हूँ इंगेज इन एन एक्टिव सोशल लाइफ ही हैज डिवोटेड हिज लाइफ फॉर रैकेटिंग और फॉर अपलिफ्टिंग वी कैन से पुअर

कि कोई बीमार इंसान कोई फिजिकली डिसेबल्ड इंसान को भी हम क्या कहते हैं इन वैलिड बट इट इज इन द नाउन फॉर्म ऑफ इट मैम दोनों ही स्पेलिंग से हे मीनिंग ये था का नहीं रैकेट्स का वो ब्रिटिश वेरिएंट है मैंने बताया वैष्णवी वर्ब टू रिमूव फ्रॉम एक्टिव ड्यूटी बाय सम गिविंग सम रीजन ऑफ सिकनेस और डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन तो इनवैलिड को आई

ऐसा इंसान जिसको नौकरी पे से ड्यूटी पे से निकाला जाता है ये रीजन देते हुए कि ये बीमार है ये फिजिकली डिसेबल्ड है इनवैलिड सो थ्री मेजर मीनिंग्स ऑफ इनवैलिड क्लियर फर्स्ट यानी इनवैलिड को ईडी आई लगेगा व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वर्ब जस्ट टू से इनवैलिड आल्सो मींस नॉट एलिजिबल नॉट वैलिड बेटा इन वैलिड और इन लीगल डिफरेंट है इन-वैलिड होने के लिए आपको लीगली साउंड होना जरूरी नहीं है लॉजिकली साउंड होना जरूरी है ठीक है इन वैलिड होने के लिए ऐसी दैट इन वैलिड बट जो लीगली साउंड नहीं है दैट्स इन लीगल क्लियर इन वैलिड एंड इन लीगल सेम हो सकता है क्या विनोद मैंने बताया इन वैलिड द आई एन जी एक्सप्लेन कराना मैन ओके द मैन

लेकिन अगर वो तो नाउन बन के आ रहा है तो इसके आगे पीछे कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा ये खुद सब्जेक्ट रहेगा फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प द इन वैलिड मैन आई हेल्प द इन वैलिड मैन मीन आई हेल्प द डिसबल्ड मैन दिस इज वॉट इट मीन्स क्लियर कृष्णा तो पहला वर्ड कौन सा लिया रैकेट उसके छह ऑलमोस्ट मीनिंग्स देखे सेकेंड वर्ड कौन सा लिया इन वैलिड ये वर्ड यूसेज में आता है बच्चा ठीक है नेक्स्ट रो काफी कॉमन है ना वो वाला राइम रो रो रो, रो योर बोट सो रोइंग द बोट यानी ओर के साथ जब आप पानी को नाव ढकलते हो दैट्स रो टू प्रोपेल अ बोट बाय मींस ऑफ ओर्स ओर यानी आप इसको मराठी हिंदी में क्या कहता है रो नो no, बट वो लकड़ी का जिससे ढकला जाता है पानी दैट्स रोइंग योर बोट बोट को आगे पुश करना दैट्स रोइंग योर बोट फर्स्ट सेकेंड रो एंड कॉलम्स यू नो रो एंड कॉलम्स राइट रो एंड कॉलम्स पता है हाँ फर्स्ट मीनिंग तो वो नाव को जब आगे ढकला जाता है रोइंग योर बोट चप्पू राइट नामिका सेकेंड इज यू कॉल रोज एंड कॉलम्स वी आर अवेयर थर्ड मीनिंग यू डोंउंस इट एज रो यू प्रनाउंस इट एज राव सो बेसिकली आर ओ डब्ल्यू के होमोग्राफ है ये आर ओ डब्ल्यू का वर्ड फॉर्म लिया तो हम उसको राव प्रोनाउंस करते हैं रो नहीं राव मीन अ नॉइजी क्वारल जनरली जो मुंबई की चाल की लाइफ होती है और जब वो पानी के लिए लड़ते हैं झगड़ा बहुत ज्यादाउंस इट एज राव विच इज ए नॉइजी क्वारल विच इज अजी क्वारल क्लियर अ नॉइजी डिस्टर्बेंस ऑफ क्वारल इज कॉल एज राव राव क्लियर तो रो के तीन मीनिंग है एक तो वो नाव को आगे ढकलना जाता है दैट एक्टिविटी इज रोइंग योर बोट सेकेंड रोज एंड कॉलम्स यू नो दिस एंड थर्ड इज राव अ नॉइजी क्वारल क्लियर रोर द लायन रोर्स कुनाल रोर इज अ डिफरेंट वर्ड राव इज अ डिफरेंट वर्ड रो इज अ डिफरेंट वर्ड नेक्स्ट इज सीजन हाँ ये वर्ड काफी ज्यादा आने के चांसेस है अपकमिंग एग्जाम में सीजन यानी मौसम विंटर सीजन समर सीजन आपको कितने मीनिंग्स पता है सीजन के चलो बताओ देखते हैं आपको सीजन के कितने मीनिंग्स पता है जल्दी जल्दी लेट्स ट्राई दिस सीजन के कितने मीनिंग पता है हाँ मुझे पता है समर सीजन विंटर सीजन सीजन पता है और सीजन के मीनिंग आर्या का सेकंड सीजन देखा आपने सेकंड सीजन यानी हाँ वो जो सीरीज ऑफ एपिसोड्स होते हैं ना उसका भी सीजन आता है सीजन टू सीजन थ्री है ना राइट right? कितने मीनिंग्स आपको पता है आई पी एल सीजन वेब सीरीज मौसम टाइम फेज सीजन सीजनड सूप जहां पे फ्लेवर बढ़ाने के लिए जो सीजनिंग मटीरियल डाला जाता है सूप में दैट इज अगेन सीजन सो हाउ मेनी मीनिंग कैन बी रेफ अलिये गो फर दस्ट अ टाइम दैट इज कैरेक्टराइज बाई एमस्ट इज अट्स अस जैसे कि वी कैन ऑल्सो से टूरिस्ट सीजन चल रहा है यहां पे अभी राइट टूरिस्ट सीजन चल रहा है दैट इज देयर सेकेंड एक चीज याद रखना सीजन इज ऑल्सो सिनोनिम फॉर द वर्ड वाइल्ड यानी एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी सीजन बोला जाता है आई थिंक दिस गायज ट्रावलिंग नी अ लॉट सो वी शुड सेंड हिम टू अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ डेफिनेट सीजन फॉर अ सीजन फॉर अ सीजन यून फॉर अ वाइल्ड कुछ समय तक एग्जाम सीजन करेक्ट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सीरीज ऑफ न्यू टेलीविजन इज परफॉर्म है ना शोज ऑफ प्लेस जैसे आर्या का सीजन टू आईपीएल सीजन टू राइट नेक्स्ट खाने में जो डाला जाता है जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाए दैट इज ऑल्सो सीजन सीजनिंग टू मेक फिट बाय एक्सपीरियंस ये वाला वर्ड फॉर्म याद रखें क्योंकि बहुत रेयरली यूज होता है जैसे कि एक्सपीरियंस के बाद जो इंसान महारत हासिल करता है उसको भी हम सीजेंड कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज अ सीजेंड फिजिशियन सीजेंड फिजिशियन मीन्स वाट मीन्स सामबडी हु इज एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ इज एक्सपीरियंस हीसपीरियंस सीजन एक्टर करेक्ट एडिशन भी बोल सकते हैं तो so, ये सीजन को याद रखें आप ठीक है इसकी ऑलमोस्ट चार से पांच मीनिंग है द मैंगो सीजन राइट सीजन यस फिशोर थैंक यू सो मच मनीषा लेट्स गो फॉर दिस नाउ द लास्ट है पिक्चर वैभ अव सर आपको इसके कुछ फोटोज बताएंगे अभी पिक्चर के पिक्चर का येस वेडिंग सीजन वेरी गुड शाम वेडिंग सीजन कोविड सीजन यस कल्याणी सुना लिट्स गो फॉर द फर्स्ट वर्ड द लास्ट वर्ड पिक्चर पिक्चर का वैभव सर आपको एक वर्ड बता रहे हैं पिक्चर आपने सुधा मूर्ति जी की नॉवेल्स में पढ़ा है डॉक्टर डॉक्टर कहानी में राइट सो नाउ पिक्चर का सबसे पहला होता है कंटेनर कंटेनर Which is actually used for storing generally liquid. आपको पिक्चर की मैं इमेज दिखा दी दिसमली यूज मीनिंग ऑफ द वर्ड पिचर कैन यू सी दिसर्स्ट वैभव सर ये द फर्स्ट द फर्स्ट कैन वी रिमेन स्टेगमेंट ऑन दट फर्स्ट पार्ट दिस इज पिचर दिस इज पिक्चर राइट पिच्चर ये पहला मीनिंग याद रहेगा इसका सेकेंड बताइए वैभव सर दिस इज अच्चर पिक्चर पिक्चर या बास्केटबॉल गेम में ऐसा प्लेयर जो पिच करता है उसको पिक्चर कहते हैं बास्केटबॉल गेम में या किसी गेम में जो बॉल को पिच करता है उसको भी पिक्चर कहते हैं पिक्चर के तीन मीनिंग एक तो वो पानी का जग मग वॉट से पिक्चर प्लांट यू नो इट एंड लास्ट इज सांबरी जो बास्केटबॉल में बॉल को पिच करता है उसको पिक्चर कहते हैं राइट याद रहेंगे ये तीन मीनिंग्स ओके थैंक यू वैभव सर चलिए आज के पांच वर्ड्स बताएं रैकेट पढ़ा इनवैलिड पढ़ा सीजन पढ़ा पिक्चर पढ़ा एक भूल गई मैं रो row राद row. रहेंगे बच्चा ये वर्ड्स वर्ड यूसेज में आने की बहुत ज्यादा शक्यता संभावना हैीक इज नाथिंग बट दी एडवांस पार्ट ऑफ ग्रामर तीन ही रूल्स बताऊंगी एडवांस लेवल के हैं लेकिन थोड़ा याद रखें एडवांस ग्रामर का ज्यादा उपयोग कहां होता है क्या ये स्पॉट दर में आता है mm -hmm. क्या ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा mm -hmm. फिर ये आएगा कहा मैम ग्रामर गीक का मेजर यूज आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होता है एडवांस ग्रामर इज जनरली टू बेसिकली एनहैंस योर राइट अपने राइटिंग को सुंदरता एड करने के लिए एडवांस ग्रामर का यूज होता है एडवांस ग्रामर एग्जाम में नहीं आता है बट वो डिस्क्रिप्टिव को चार चांद लगा देता है सो एडवांस ग्रामर में सबसे पहला रूल आज का जनरली कोई रिपीटेड एक्शन है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई फिक्स्ड एक्शन है या कोई जनरल परमानेंट एक्शन है तो उसके लिए आप सिंपल एस्पेक्ट लेते हो टेंस का आई रिपीट अगेन फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर रिपीटेड एक्शन फॉर परमानेंट एक्शन फॉर अ जनरल एक्शन यू ऑलवेज यूज सिंपल टेंस फॉर एग्जाम्पल आई रीड न्यूज पेपर डेली

सिंपल टेंस हे गोष्ट लक्षात राहणार तुमच्या राहणार ही गोष्ट लक्षात तुमच्या ओके नेक्स्ट सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है ओके आई डू जीएसटी डेली दैट्स करेक्ट ये मैं लेती हूं अभी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है फर्क है ध्यान दो आई एट माय ब्रेकफास्ट आई एट माय ब्रेकफास्ट आई हैव ईटन माय ब्रेकफास्ट ये दोनों क्रियाओं में क्या फर्क है इनको कब यूज करना चाहिए सिंपल पास्ट हम लिखने में तब यूज करते हैं बच्चा जब हमारा क्रिया समय बोलने पर या अगले काम पे कोई प्रभाव नहीं रखता है जैसे कि बताती हूं आई एट माई ब्रेकफेस्ट ये क्रिया भी हो गई समय भी हो गया और इसका प्रभाव मेरे अभी के काम पर नहीं पड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है जब क्रिया हो गई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी समय पे मौजूद है उसका इम्पैक्ट जैसे बताती हूं आप किसी के घर गए हो वो कह रहे चलो खाना खा लो नहीं यार मैं अभी खाकर आया मैं अभी खाकर आया इसका मतलब समय चालू है क्रिया हो गई यू कैन कंटिन्यू मैं खाना खाकर आया था इसका मतलब मैं अभी खाने की और क्षमता रखता हूं समय गया क्रिया भी गई इंट जनरली इसके आगे के वाक्य में इसका इम्पैक्ट आपको दिखता है जैसे आई हैव नॉट ईट इन माई ब्रैकफेस्ट आई एम हंग्री नाउ मेक सेंस आई एट माई ब्रैकफस्ट सो आई एम फुल दैट ऑल्सो मेक सेंस गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट में क्रिया भी गई समय भी गया प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया गई लेकिन समय चालू है और उसका प्रभाव आपको प्रेजेंट में दिख रहा है ओके ना लेट्स गो फॉर द थर्ड एंड द लास्ट जनरली आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब लिखें चाहे जेनरलीस या लेटर कोशिश करें कि आप पैसिव वॉइस ज्यादा यूज करें क्योंकि पैसिव वॉइस साउंड मोर फॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन द राइट अप आप।, आप जब लिटरेचर में जाएंगे तो जनरली जो भी इसलिए आपने न्यूज़पेपर में देखा है

अगर आप कोई चीज रिपीटेड फॉर्म में करते हो अगर आप कोई परमानेंटली चीज कर रहे हो तो सिंपल एस्पेक्ट लेंगे टेंस का सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का फर्क बताया और तीसरा जब आपको कोई फॉर्मल चीज बतानी है किसी को और बहुत फॉर्मल अपने कॉन्वर्सेशन में साउंड करना है तो ज्यादा यूज किसका करना चाहिए पैसिव वॉइस का ठीक है ओके लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट टुडे एंड दैट्स अवॉइडेबल सॉलिसिजम्स ये एरर्स आएंगे प्री में मेंस में ये एरर्स एक्सपेक्टेड है प्री में मेंस में नाउ, यू टेल मी व्हाट आर द एरर्स इन द थ्री सेंटेंसेस जल्दी एरर बताओ कंफर्म एरर है कंफर्म एरर है जल्दी बताओ क्या है तीन एरर इन तीन वाक्यों के एरर बताएं फास्ट वर्क ये अगर पहले क्वेश्चन में गलत किया तो फटके दूंगी वाई मैम बिकॉज द रूल गोज एडवर्ब ऑफ पास टाइम

तो क्रिया भी पास्ट टेंस आएगी येस्टरडे आई वॉज राइटिंग नॉट आई एम राइटिंग सो येस्टरडे आया लास्ट ईयर आया लास्ट नाइट आया प्रीवियस ईयर आया यू विल ऑलवेज टेक हियर माय ब्रदर डिड द वर्क यस्टडे पास्ट टेंस माय ब्रदर डिड द वर्क येस्टडे नेक्स्ट शीतल इज स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग

ओके okay? जब क्रिया के शुरू होने का समय दिया जाए सो वी ऑलवेज टेक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस राइट एंड द लास्ट वन आई वॉन्ट मैनी मनी हाउ कैन यू से मैनी मनी आई वॉन्ट मोर मनी बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल मच मनी मोर मनी लेस मनी मनी इज अनकाउंटेबल तो जब वो चीज अनकाउंटेबल है तो आप उसके साथ मैनी कैसे यूज कर सकते हो आप मच करो मोर करो लेस करो नॉट मैनी मैनी ठीक है धनश्री ने कहा मैंने यहाँ पे हैड डन लिखा मैम तो क्या वो गलत होगा धनश्री पाडुल इतने फटके दूंगी मैं आपको मैंने कल ही बताया था कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कब आते हैं जब वाक्य में दो क्रियाएं हैं दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट लेती है अगर वाक्य में एक ही क्रिया है तो वो सिंपल पास्ट लेगी वॉज डन नहीं आएगा आकाशवाण खेडे नो no, वॉज नहीं आएगा वहां पे ठीक है सो मच मनी यसराज दट करेक्ट अवॉइडेबल सोल समझेस आई वॉन्ट सम मनी इज ऑल्सो करेक्ट विशॉर डन चलिए ना लेट्स गेट रेडी फॉर द स्टडी प्लान दट आई है स्टडी प्लान students who are preparing only and solely for mains exam they have to focus on first teen rc kahin se bhi karo jahan man pasand hai wahan se karo second yes you need to keep reading reading should not stop generally reading kahan kare book reading aap thoda sa rok de आप जो mains की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर और magazines को ज्यादा refer करें ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट दो प्री प्लस दो मेन्स के मॉक एंड एनालिसिस करेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देख का एनालिसिस पढ़ के ही अगला मॉक देना है अरे मैंने यहां क्या गलती की मुझे अवॉइड करना है मैंने इसमें क्या नया सीखा एंड दैट मुझे वो वहां अप्लाई करना है सो मॉक के एनालिसिस में दो मेजर पॉइंट आपके सामने आना चाहिए फर्स्ट

पढ़कर अगर समझना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको जीएसटी का है मैम मेरी स्पीड नहीं है तो उसके लिए बुक रीडिंग है ओके दैट इज फर्स्ट थिंग सेकेंड इज वोकैब्युलरी यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर प्री यू नीड टू फोकस मोर मॉडर्न वोकैबलरी कहां से करें वोकैबलरी जितना हो सकता है बच्चा आप वो कैब ट्वेंटी फोर आप है नाचड मी है हिंदू वोकैबलरी है यहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें Last but not the least, should focus on quizzes, जिसमें आपको कमांड लानी है and RC. ये सीक्वेंस देखा, देखा, आपने 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 देखी, यहां का सीक्वेंस आपने देखा, आपने देखी, का ठीक है? आई यू क्लेव दिस जिन बच्चों की बैच चालू है चाहे वो ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो या अपकमिंग इलेवेंथ बैच के स्टूडेंट्स है जिनका कल पहला लेक्चर रहेगा बैच चालू है दे शुड फोकसलीमवर्क एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीडिंग ये बैच के बच्चों ने इतना ही करना है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश आप ना करें आर सी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओके

आकांक्षा इसके लिए ना बेटा आप एनालिसिस करो कैसे करते हैं मैडम आरसी का एनालिसिस ना सी आरसी का एनालिसिस कैसे किया जाता है ना लिसन एवरीबॉडी अगर आरसी में मैंने दस क्वेश्चन में से अटेम्प्ट के आठ बराबर आए सो डायरेक्ट क्वेश्चन कितने गलत हुए वो कैबलरी कितनी गलत हुई इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने गलत हुए अगर तुम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में गलत कर रही हो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना पड़ेगी वो कैबरी में गलत जा रहे हो इसका मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग तुमको शब्द का लेना नहीं जम रहा है और अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में गलत जा रही हो तो तुमको इतने फटके पढ़ने चाहिए क्योंकि तुम्हारा फोकस ही नहीं है दिस इज वट एनालिसिस विल शो कि वेर एग्जैक्टली एंड वाई एक्जैक्टली एम आई गोइंग रॉन्ग ऐसा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षा दूसरी चीज आरसी में अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आरसी का पैसेज पढ़ते टाइम आप स्ट्रक्चर बनाएं स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करें क्योंकि उससे एक्यूरेसी बढ़ती है कैसे मैम क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है ठीक है शी इजर देन आई इज करेक्ट विद्या वैष्णव ओके लास्ट पार्ट आई वॉन्ट टॉक टू यू अबाउट इज मोटिवेशन एंड देन वी विल स्टॉप द सेशन न लिसन एवरीबाडी वेरी केयरफुली नाउ रीड योर कमेंस प्लीज लिसन वेरी केयरफुली कल आकाश क्या नाम बताया था वैभव सर आपने आकाश खनसोले राइट आकाश खनसोले को स्टूडेंट है जो अभी लाइव देख भी रहा है सेशन सुन भी रहा है आकाश खनसोले को कल रात में वैभव सर ने एक घंटा बात किया क्या बात की वैभव सर ने इंग्लिश का गाइडेंस वैभव सर दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं वैभव सर मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे अजिंक्य सर को जानते हैं आप राइट अजिंक सर बच्चों के मैथ्स के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं क्यों कि तुम क्लोज टेस्ट ऐसे करो फिलर्स ऐसे करो पारा जंबल ऐसे करो मुझे सुन के थोड़ी हंसी आई लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वैभव सर यहाँ पे दिन भर बैठ के उनके दिमाग में ये चीज़ बार बार हैमर हो चुकी है कि मैम क्या पढ़ाती हैं कैसे पढ़ाती है और अब पढ़ना कैसे है बच्चों को सो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू से दिस टू यू स्टूडेंट्स कि एसएसए का हर मेंबर चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ का हो लेकिन वो आपको उसी तरीके से गाइड कर रहा है जैसे पूरी टीम एसएसए कर रही है वो उतना ही एफर्ट्स उतनी ही टाइम उतनी एनर्जी आपके अंदर डालना चाहता है जो एसएसए की मेन फैकल्टी डालना चाहती है पण मैम याचा म्हणण्याचा अर्थ काय सांगते अगर चीज स्टार्टिंग से शुरू होती है तो नीचे तक उसकी प्योरिटी मेंटेन होना काफी मुश्किल होता है चाइनीज विस्पर कभी खेला है एक के कान में कही हुई बात बदल के दूसरे के पास फिर आती है एंड में लेकिन एसएसए का जो फ्लो चार्ट है वैसा नहीं है चाइनीज विस्पर की तरह एसएसए का फ्लो चार्ट नहीं है फातिमा मैम के शब्द एज इट इज वैभव सर भी बच्चों को कन्विंस करते हैं कन्वे करते हैं कहने का मतलब स्टूडेंट्स एसएसए का जो फ्लो चार्ट है एसएसए का जो प्रोसेस है इसको हम एश्योर नहीं करते हैं इसको इसको हम वैलिडेट वैलिडेट नहीं करते हैं हैं हमारे रिजल्ट्स कर रहे हैं। लगातार दो सीओटी फटाफट क्यों लिए मैं क्या करूं इस थर्सडे को भी सीओटी है क्यों सीओटी है मैम क्योंकि रिजल्ट ही एस एस ए के इतने हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड कि मैम हमको सीओटी में आना है वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक स दिस थर्सडे बी एव अनादर सीओटी अनादर सक्सेस स्टोरी अनादर स्ट्रगल स्टोरी और सबका एक ही है हमने ये फॉलो किया तो बेसिकली एस एस ए के फ्लो चार्ट को एस एस ए के प्रोसेस को एस एस ए की टीम वैलिडेट नहीं कर रही है एस एस ए के रिजल्ट वैलिडेट कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड स्टूडेंट अंबादास का सीओ टी हुआ था राइट right? अंबादास का सीओटी हम सब ने एंजॉय किया मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया लेकिन अंबादास के सीओटी में एक सबसे बड़ा पॉइंट जो घर लेकर जाने के लायक का है वो ये है सबसे बड़ा पॉइंट मैंने कहा मैं तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है सबसे बड़ा पॉइंट रिजल्ट तेवाच येणार जेवा तूमी अभ्यास सुरू करणार एसएसए जॉइन केला म्हणजे संपला का नाही एसएसए चे लेक्चरस कणतो म्हणजे संपला का नाही माझी इच्छा है मी बैंकर वहां पाजे संपली का गोष्ट नहीं मग सुरू कभी होना जेव तुम्हें पुस्तक घेन बसना अंबादास जैसे ब्रिलियंट लड़के को बैंकिंग में तीन साल नहीं लगने चाहिए थे उसने एक साल सिर्फ सुना इम्प्लीमेंट का हीच नहीं परिवर्तन ऐकने आनी होत नहीं इम्प्लीमेंट करना होते पहली गोष्ट दूसरी गोष्ट बहुत सारे बच्चे हमेशा ये कहते हैं हमेशा इंग्लिश अवघड जातो जी एस टी बनवायला अवघड जाते आर सी मध्ये अॅक्युरेसी येत नाही व कॅबलरी लक्षात राहत नाही हे सगळं मला माहीत आहे तुम्ही पुन्हा पुन्हा मला सांगू नका की जसं मॅडमला काहीच माहीत नाही मी अठरा वर्षापासून टीचिंग करते आणि सध्या बँकिंगमध्ये सहा वर्ष झालेले मला तर तुमचे प्रॉब्लेम्स तुमच्या डोक्यात येण्याच्या अगोदर मला माहीत आहे की तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे पण त्याच्यावर एकच सोल्युशन आहे दवा गोडी डेली घ्यायची क्लिअर म्हणजे काय मॅम माझं डोकं दुखतंय तरी अभ्यास करायचं मला मायग्रेनचं अटॅक आलं तरी अभ्यास करायचं माझी पीठ दुखतंय तरी अभ्यास करायचं माझ्या डोक्यात काही जात नाही तरी जीएसटी करायचं माझ्या लक्षात फोके आपल्याला यात नाही राहत नाही तरी पाठ करायची गेटिंग दिस ऑबस्टेकल्स हजार है तुम्हारे पास क्या सोल्युशन मुझे ये बात गे अवघड जाते हे सांगू नका मॅडम मला अवघड जाते तरी सुद्धा मी करतो मला हे सांगा मॅडम माझं डोकं दुखतय तरी मी अभ्यास करतो मला हे सांगा मॅडम मला जीएसटी जमत नाही तरी करतोय हे सांगा कारण की याच मुलांचे निकाल येतात याच मुलांचे निकाल येतात क्लिअर विथ दिस अँड द लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट स्टुडंट्स लाइफ में एक चीज आप हमेशा याद रखें तुम जीतोगे हारोगे कहां जाओगे लाइफ में क्या करोगे ये तो डेस्टिनी ने लिख रखा है तुम्हारी किस्मत में हमारे हाथ में सिर्फ यह है कि अपनी हर सिचुएशन को हंड्रेड परसेंट आपने देना चाहिए सचिन का काम है पिच पे आना सेंचुरी मारना जाना फिर इंडिया जीते हारे ये सचिन तेंदुलकर के हाथ में नहीं है पर एटलीस्ट तुम सेंचुरी तो मारो तुम अपना हंड्रेड परसेंट दे दो फिर आगे क्या होगा हम देखेंगे बट एटलीस्ट गिविंग हंड्रेड परसेंट इज वॉट इज इन योर हैंड्स गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स चलेगा तो चलिए थैंक यू सो मच डू और डू बिकॉज द ओनली ऑप्शन वी हैव हियर एट एस एस एज या तो जीतना जल्दी है या तो जीतना देर से है बट जीतना ही एस एस ए का हर बच्चे का ओनली ऑप्शन है क्लियर विद दिस

See you on Friday. RBI assistant, ESSI, ESIC assistant, mains ke grammar ke questions ko leke will be meeting on Friday with a YouTube live session. Thank you.